आंदोलन जब तक बीजेपी पर मालार्पण नहीं होगा ऐसे ही आंदोलन चलेगा और जगह जगह लाल टोपी का रैला दिखेगा। और योगी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि लाल टोपी के काफिले को रोक ले। ये समाजवादियों के हौसले है, योगी सरकार की पुलिस ये इन्हें रोक नहीं पाएगी। समाजवादियों का कभी सैनिकों से डर नहीं लग रहा आपको? हमें कभी डर नहीं लगा, हम समाजवादी हैं, लाल टोपी वाले अखिलेशवादी हैं। कभी डरेंगे हम लोग? तैयार है पुलिस। अरे इनके लट्टे हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते और लाठी और गोली की सरकार को नहीं चला देंगे। जैसे चल रहा है आंदोलन चलता रहेगा। देखिए ये बैरिकेटिंग दर्शाती है कि सरकार डरी हुई है। ये बैरिकेटिंग बताती है कि 43 लोकसभा सीटों की हार की खींच है और ये बैरिकेटिंग और पुलिस प्रशासन दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की विदाई का वक्त नजदीक है। आज देश के बड़े समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी माल्यार्पण करने के लिए जाना चाह रहे हैं। सरकार का रवैया देख लीजिए, पुलिस का रवैया देख लीजिए। अगर इनको लगता है कि ये बैरिकेटिंग से समाजवादियों को रोक सकते हैं तो ये सरकार बहुत गलत फहमी में है। हम लोग किसी बैरिकेटिंग के रोके रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि पुलिस ने ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर घेर रखा है, तो अभी तो हम अपने नेता की सुरक्षा में है। फिर पार्टी का नेता का जो निर्देश होगा वो करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से माहौल है, क्या लगता है कि अखिलेश यादव को पुलिस ने हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में कर दिया है? देखिए सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम सरकार को बहुत विनम्र अनुरोध के साथ एक बात बता देना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी, योगी आदित्यनाथ जी आपके रोके रुकने वाले नहीं है। आपकी पूरी सरकार खड़ी हो जाए, पूरी पुलिस फोर्स खड़ी हो जाए, तब भी अखिलेश यादव जी को आप नहीं रोक सकते। आप विचारों को नहीं रोक सकते, आप आंदोलन को नहीं रोक सकते। सूरज की तपिश, सूरज के नजदीक जितना जाओगे उतना जलोगे, ये सरकार के लिए यही सुझाव है। माननीय अखिलेश यादव जी सूरज की तरह है। जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस जयंती को कहीं न कहीं एक संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को JPNIC बिल्डिंग जाने से रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और इसको लेकर दो लेयर की बैरिकेटिंग भी उनके आवास के पास की गई है। इसके साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात करें तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास भी बैरिकेटिंग की गई है। इसके साथ ही साथ CRPF और पुलिस के जवान बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि ये हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न कर रही है सरकार, क्या सरकार डरी हुई है या लोगों की जयंती मनाने पर भी रोक लगी है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव JPNIC बिल्डिंग जाकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से यहां पर बैरिकेटिंग की गई है उससे यह कह पाना अभी मुश्किल है कि अखिलेश यादव वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।